हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अलाइजिंग इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग डिस्कस करा था, जिसमें हमने देखा था कि वो किस तरह से कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिजिटल टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और वो जैसा कि फर्स्ट ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग है, उसी वैसे ही सेम वर्क जीरो ऑर्डर होल्ड सैम्पलिंग का होता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए इट होल्ड दी सैम्पल्स फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है अलाइजिंग इफेक्ट, और इसे हम अलाइजिंग एरर भी कहते हैं। सो वी कैन से दैट अलाइजिंग एरर, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलाइजिंग इफेक्ट होता है या फिर अलाइजिंग एरर होता है, ये क्या करता है, जब भी हम अगर हम ये कहें कि व्हेन अ लाइन इन डिजिटल, जब भी कोई लाइन हमारी डिजिटल होती है, डिजिटल इमेज रन्स एट एन एंगल, देन इट विल ऑफन अपियर्ड विद अ जेस्ट एजेस। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास, हम कभी भी कोई लाइन ड्रॉ करते हैं डिजिटल फॉर्म में, तो हम इस तरह से करते हैं, ये हम लाइन ड्रॉ करते हैं, बट लाइन हमारी कुछ जेस्ट फॉर्म में होती है, तो यानी कि जो पिक्सल है वो फट जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल इमेज में जब हम इसे जूम कर देखते हैं तो हमारा पिक्सल जो है वो फट जाता है, तब इसी को हम zigzag कहते हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन है, जो कि है, इसको मैं डेफिनेशन यहाँ लिख देती हूँ। डेफिनेशन थी आपकी, व्हेन ए लाइन, जब भी हमारी लाइन डिजिटल फॉर्म में होती है, व्हेन ए लाइन इन डिजिटल इमेज रन्स एट एन एंगल, देन इट विल ऑफन अपियर होती है ये विद जेस्ड एजेस, मतलब zigzag फॉर्म में जेस्ड एजेस। कुछ इस तरह से, ठीक है, जैसे कि लाइन जब हम डिजिटल फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन ऐसी होनी चाहिए, बट जब हम देखते हैं उसको जूम करके, तो लाइन में पिक्सल्स जो है वो फट जाते हैं और वो zigzag फॉर्म में इस तरह से आते हैं। तो वही इसकी डेफिनेशन में बताया है कि व्हेन अ लाइन इन अ डिजिटल इमेज रन्स एट एन एंगल, देन इट विल ऑफन अपियर विद जेस्ड एजेस। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं, ये इसमें तीन तरह के केसेस हम देखते हैं। एक होता है हमारा स्टेयर केस, दूसरा होता है हमारा अनइक्वल ब्राइटनेस, तीसरा होता है हमारा पिकेट फेंस प्रॉब्लम। ये तीन हमारी इसमें प्रॉब्लम होती हैं। तो स्टेयर केस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास, हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है, तो हम पहले, हमारे पास पिक्सल्स हैं कुछ इस तरह से, तो जब हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम ये वाले ब्लॉक्स को फिल कर देंगे, तभी तो लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, ये वाले ब्लॉक्स को हम फिल कर देंगे, पिक्सल फिल लाइक दिस, तो ये हो जाएगा इस तरह से अगर हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये है हमारा स्टेयर केस, ठीक है, तब इसमें ये है, ठीक है। और दूसरा है हमारा अनइक्वल ब्राइटनेस, मतलब इसमें समथिंग ब्राइटनेस का इशू रहेगा और कुछ नहीं है इसमें। सेकेंड प्रॉब्लम इज अनइक्वल ब्राइटनेस, और इसमें हमारा ब्राइटनेस का इशू रहेगा। और जो थर्ड है वो है पिक्सल फेंस प्रॉब्लम, पिकेट फेंस प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, सपोज हमारे पास चार पिक्सल्स हैं कुछ इस तरह से, और हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ 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 पर है, बट इसमें क्या है, सम इंफॉर्मेशन फिक्स्ड हेयर, तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे
स्टक हो जाती है, स्टक हो जाती है मतलब फिक्स्ड हो जाती है। तो यही हमारी पिकेट फेंस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें अलाइजिंग इफेक्ट जो है, इसमें हमें इसका तोड़ ढूंढना पड़ता है। तोड़ मतलब कि इसे ओवरकम कैसे करें, तो वो होता है इसमें एंटी अलाइजिंग, उसको भी देख लेते हैं। अब एंटी अलाइजिंग क्या होता है, रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ अलाइजिंग एंटी अलाइजिंग। इसमें क्या करते हैं, टू रिमूव अलाइजिंग इफेक्ट्स, वी यूज दिस अंडर सैम्पलिंग। ये हमारा सैम्पलिंग के अंडर आता है। सैम्पलिंग हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अंडर सैम्पलिंग। सैंपल्स, सैम्पलिंग एट ए लो फ्रिक्वेंसी। इसमें क्या करते चाहिए हमें, सैम्पलिंग एट ए लो फ्रिक्वेंसी। एंड वी कैन से दैट एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ मैक्स, जिसमें एफ एस है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, एफ मैक्स है हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, वेयर एफ एस इज इक्वल टू सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी और एफ मैक्स है हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। और ये जो है एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ मैक्स, ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सो हम ये कह सकते हैं कि टू रिमूव अलाइजिंग इफेक्ट्स वी यूज दिस अंडर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एट ए लो फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एफ मैक्स, मैक्स एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें। सो ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह से अलाइजिंग इफेक्ट या अलाइजिंग एरर होता है। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो वी कैन से दैट इसकी जो डेफिनेशन है वो होगी आपकी, जो आपको एक्चुअल में एग्जाम में लिखनी है, वो तो जो मैंने अभी बताई वही है कि मतलब जब भी आपके पास ये डिजिटल इमेज होगी तो वो रन्स एट एन एंगल, देन इट विल ऑफन अपियर विद जेस्ड एजेस। आप इसे भी लिख सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि इफ दिस सिग्नल, सपोज कोई सिग्नल है हमारे पास एक्स टी इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंडविथ, स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड, एंड और इफ दी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी तो एफ एस ही होती है, इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एम, देन एन एरर कॉल्ड अलाइजिंग एरर। ये भी हम कह सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन है, अलाइजिंग एरर इज ऑब्जर्व्ड, अलाइजिंग एरर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, इज ऑब्जर्व्ड द एडजेसेंट स्पेक्ट्रम जो है वो ओवरलैप करेगा, स्पेक्ट्रम ओवरलैप इफ एफ एस लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एम, ठीक है। सो हम एक इसे डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक्स एफ है और ये हमारे पास एफ है, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, सो ये है हमारा माइनस एफ एस बाय टू और ये है हमारा एफ एस बाय टू। सो यहाँ पे हमने देखा कि इफ दिस सिग्नल एक्स ट्री इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड एंड
or if the sampling frequency fs is less than twice fm, then an error called aliasing error is observed. The adjacent spectrum, जो adjacent spectrum होगा वो overlap करेगा if fs is less than twice fm. ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो इसमें हम थोड़ा और discuss कर लेते हैं कि जो effect है aliasing का वो क्या होगा. तो next है हमारा effects of aliasing. Effects of aliasing. इसमें क्या है कि due to aliasing, some of the information contained जो इन्फॉर्मेशन या कुछ मैसेज जो होगा वो सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंड इन द ओरिजिनल सिग्नल, जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होगा एक्स टी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग, इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग. मतलब जो इफेक्ट है अलाइजिंग का वो क्या होता है कि ड्यू टू अलाइजिंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंड इन द ओरिजिनल सिग्नल दैट इज एक्स टी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग. ये अफेक्ट होता है अलाइजिंग का. अब बात आती है कि हाउ टू एलिमिनेट अलाइजिंग, इसी में देख लेते हैं. हाउ टू एलिमिनेट अलाइजिंग, कैसे हम हटा सकते हैं अलाइजिंग इफेक्ट को. How to eliminate aliasing? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहां पे? सपोज हमने एक बैंड लिमिटिंग लो पास फिल्टर लिया है, उसमें हमने इंफॉर्मेशन दी या कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या कोई मैसेज सिग्नल दिया एक्स टी, उसको हमने पास किया सैम्पलर से, और यहां पर हमने स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड एक्स टी सिग्नल दिया. तब यहां पर जो हमें आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एक्स एस टी. ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ऑल दी लोअर एनर्जीज आर कैंसल्ड. किसमें? लो पास फिल्टर का यही काम होता है कि जितनी भी लोअर एनर्जीज होती हैं आर कैंसल्ड. ठीक है, ये हो गया. मतलब अगर हमें एलिमिनेट करना है अलाइजिंग को, तो हम एलिमिनेट कैसे करेंगे कि हम बैंड लिमिटिंग लो पास फिल्टर से एक्स टी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को पास करेंगे, और फिर उसे सैम्पलर से पास करने से पहले हम स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड सिग्नल एक्स टी दे देंगे, देन आउटपुट पे हमें एक्स एस टी मिल जाएगा. जहाँ पे लो पास फिल्टर का काम होगा जितनी भी लोअर एनर्जीज होंगी उन्हें कैंसिल कर देगा. ऑल द लोअर एनर्जीज आर कैंसल्ड. लो पास फिल्टर एक्चुअली, वैसे तो लो पास फिल्टर लो पास फ्रिक्वेंसीज को पास करता है, बट अगर हम बैंड लिमिटिंग की बात कर रहे हैं तब हमने ये कहा है यहाँ पर. सो वी कैन से दैट कि इसमें हम लोअर एनर्जीज को कैंसिल कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि अगर हम इसमें एक और डायग्राम देख लेते हैं. जैसे सपोज हमारे पास कोई मैसेज सिग्नल है एक्स टी, ये हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है माइनस ओमेगा से लेकर के ओमेगा तक इसकी फ्रिक्वेंसीज हैं. सो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया है. यहाँ पे ये हमारे पास सिग्नल है, देन अगेन ये सिग्नल है, देन अगेन यहाँ पे ये सिग्नल है. ठीक है,
अब इसमें ये हमारे पास माइनस ओमेगा है, यही मैसेज सिग्नल, ये ज़ीरो ओरिजिन है और ये ओमेगा है। यहाँ पे हमारे पास ये एफ एस सिग्नल है, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस एफ एस सिग्नल है। अब यहाँ पे जो है ये एक्स एस टी है सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा एफ एस माइनस डब्लू, और यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा एफ एस प्लस डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा माइनस एफ एस माइनस डब्लू, और यहाँ पे जो सिग्नल है वो है हमारा माइनस एफ एस प्लस डब्लू, और ये स्पेक्ट्रम है हमारा ऑफ ए सैम्पल्ड सिग्नल फॉर एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा। इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ ए सैम्पल्ड सिग्नल फॉर एफ एस ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर यहाँ पे हमें गार्ड बैंड दिए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी गार्ड बैंड है। सो दीज आर दी गार्ड बैंड, ऐसे ही यहाँ पर भी हैं। इस तरह से अब इन गार्ड बैंड का जो रोल है वो क्या है वो देख लेते हैं। ऊपर वाली वेव को रफ कर देते हैं। यहाँ पे वेवफॉर्म ऑफ ऑल दी थ्री सिग्नल्स, जितनी भी ये वेवफॉर्म है, वी कैन से दैट वेवफॉर्म ऑफ ऑल दी थ्री सिग्नल्स डू नॉट ओवरलैप। ये हमें दिख रहा है कि ये ओवरलैप नहीं कर रही है, मतलब इस तरह से नहीं आ रही है कि एक वेव यहाँ आई तो दूसरी वेव ऐसे आ गई, फिर थर्ड वेव ऐसे आ गई, मतलब मैसेज जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ गार्ड बैंड, इस कारण ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, सिग्नल्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर Because here, यहाँ पे हम लोग here we are providing हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, here we are providing guard band between these signals, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट अलाइजिंग इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एलिमिनेट करना है अलाइजिंग इफेक्ट तो हमें गार्ड बैंड यूज करने पड़ेंगे। सो वी कैन से दैट दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट अलाइजिंग इफेक्ट। आपने ये देखा कि किस तरह से अलाइजिंग इफेक्ट्स को हम कम कर सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन अलाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। सो ये टॉपिक था बहुत इम्पॉर्टेंट और ये लास्ट टॉपिक था इस सब्जेक्ट में सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी अब तक समझ में आ गए होंगे जितने भी मैंने इस टॉपिक में कवर कराए हैं, इस टॉपिक में मतलब सैम्पलिंग में जो कवर कराए हैं। तो अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और जितना मैंने पढ़ाया इसे अच्छे से पढ़ें, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।